हेलो दोस्तों, कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुका होम साइंस का ना बिल्कुल ना रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, इस प्रश्न पत्र को आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर 6210 82403 पर SMS करके भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पेपर आपका ना 50 नंबर का ना पेपर होने वाला है। ठीक है, आर्ट्स वालों के लिए पेपर आपका विषय को 319 रहने वाला है। समय मिलने वाला 1 घंटा 30 मिनट का, कक्षा 12 मासिक जुलाई 2024 का बिल्कुल ना ये ओरिजिनल पेपर ना आपका रहने वाला है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपका 1 नंबर क्वेश्चन है ना वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है? पंजाब की, गुजरात की, बिहार की या ओडिशा के? ठीक है, ओडिशा के। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, गुजरात के। ठीक है, सुजनी सुई शिल्प जो है ना वो गुजरात की शिल्प है। आगे बैगनी रंग है, प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीय है, इनमें से कोई नहीं। तो जो बैगनी रंग है ना वो आपका न तो प्राथमिक है न तो द्वितीय है, ठीक है, ये तो तृतीय है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रदूषण के कारण किस संसाधन का गुणवत्ता खराब नहीं होती है? सूर्य की, जल का, वायु का या मिट्टी का? तो देखिए प्रदूषण के कारण किसका गुणवत्ता खराब नहीं होता, तो जल का हो जाता है। ठीक है, आप लोग जल में कूड़ा कचरा फेंकते हो तो उसका हो जाता है, वायु में भी हो जाता है आप लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हो तो। ठीक है, मिट्टी भी हो जाता है आप लोग कूड़ा कचरा फैलाते हो, लेकिन सूर्य में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। आगे कपड़ों को सुखाने की प्राकृतिक विधि क्या है? स्पिरी, डायरी, वॉशिंग मशीन या धूप और हवा? तो धूप और हवा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, दुख एवं शोक के समय का वस्त्र होना चाहिए सफ़ेद एवं हल्के? ठीक है, ऑप्शन क्या जाएगा, बी बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? कौन नहीं है तो उत्पादक, ठीक है, ये तो जिम्मेदार हो जाएंगे। ठीक है, वितरण जो बेच रहे हैं वो भी जिम्मेदार हो जाएंगे, खुदरा विक्रेता ये सभी हो जाएंगे, लेकिन उपभोक्ता जो है ना वो जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि ये तो खरीद रहे हैं ना कि बेच रहे हैं। चलिए आगे, घर में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है, तो तरल के रूप में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ना बिल्कुल ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो देखिए खाता अधिकारी का वितरण मिलता है, लेन देन का वितरण मिलता है, खाते का शेष मिलता है। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, डी ना आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विनियोग का साधन है? बैंक है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है, जीवन बीमा, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, देखिए विनियोग का साधन क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, बेकिंग विधि से क्या बनाया जाता है? तो क्या बनाया जाता है, तो पेस्ट्री, केक, पावरोटी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर आगे का, परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए बचत करना चाहिए, ठीक है, हमेशा बचत करना चाहिए। ठीक है, व्यय, ठीक है, बजट बजाना, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, बचत करना चाहिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, नीम में से कौन सा चिकनाई का धब्बा नहीं है? मक्खन, तेल, सब्जी या रंग? तो रंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी राइट आंसर। ठीक है, मक्खन तो खाएंगे तो लग जाएगा, तेल भी हो जाएगा, सब्जी भी हो जाएगा, लेकिन रंग कहाँ से आएगा, रंग तो आपको खरीद कर लाना पड़ेगा ना। चलिए आगे है, नीम में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा, और ये ना हमारे ना दिमाग में होती है। चलिए आगे है, कपड़े की मूल इकाई क्या है? कपड़े की मूल इकाई क्या है, तंतु दिया है, धागा दिया है, ठीक है, तंतु दिया है, धागा दिया है, सूती वस्त्र दिया है, और देखिए सूती वस्त्र दिया है, और इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तंतु बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है, हरी पातेदार सब्जियों में पाया जाता है प्रोटीन, शर्करा, खनिज लवण या ग्लूकोज? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, ग्लूकोज बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन है, सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य रक्षा के लिए स्थापना की गई है? तो मातृ शिशु कल्याण केंद्र के। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्न में से सबसे पहले कुछ दिनों के दौरान शिशु की देखभाल कौन सी है? देखिए बच्चे को गर्म रखना, गर्म नाल की देखभाल, ठीक है, सिर्फ माँ का दूध देना, ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा, डी नंबर ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
आगे क्वेश्चन है, बच्चे अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, ठीक है, 3 माह में 6 माह में 8 माह में या 10 माह में, तो 3 माह में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, DPT टीका का पूरा नाम क्या है, तो देखिए डिफरिया प्रूटिसी टेटनेस, ठीक है, टिटनेस नाम है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 19 फरवरी 1956 को, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर बचत निवेश नहीं है, तो कौन नहीं है, तो स्वाधीन जमा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गर्म रंग नहीं है, तो लाल, बैंगनी, नारंगी या पीला, तो पीला हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतस्रावी ग्रंथि है, तो क्या हो जाएगा, अनाश है ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपका नीम में से कौन उपभोक्ता शोधन का मुख्य कारण है, तो मुख्य कारण क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ना डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्टार्ट है, चेक की वैधता अवधि जारी करने की तारीख क्या है, तो तारीख क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, 3 महीने 6 महीने 12 महीने या 1 महीने, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, 6 महीने। देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन आपका स्टार्ट है, निम्न में से कौन सा मानव की मूलभूत अवस्था नहीं है, मकान, भोजन, वस्त्र या मनोरंजन, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, मनोरंजन, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है, तो जागो ग्राहक जागो, ठीक है, जागो ग्राहक जागो, ये लेकर मत भागो, ठीक है, मतलब केवल जागो ग्राहक जागो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम की कब पारित हुआ था, तो वैधहीनता हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर वनस्पति प्रोटीन का उत्तम साधन है, तो सोयाबीन, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, आहार या फाइबर मदद करता है, तो कब्ज को रोकथाम में, ठीक है, कब्ज को रोकथाम में, मतलब कब्ज को रोकने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ तक आपका 30 में से 30 क्वेश्चन करा दिए, जाइए किसी 25 क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट जाकर छाप दीजिए, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दिए, वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और देखिए इस नंबर पर 6210 82 403 पर ना आप SMS करके ना हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ना बिल्कुल ना फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका 30 में 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, जाकर एग्जाम में छाप दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, और कमेंट बता दीजिए कि आपके स्कूल का नाम क्या है, आप कहाँ के निवासी हैं, ठीक है, ताकि हम भी जान पाए कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है।